हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाउन हॉल 9 में अगर आपको वॉर कंट्रोल करना है तो आपको विचेस को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप विचेस के साथ टाउन हॉल 9 को क्रश? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो गाइस, पहला जो मैं आपको अटैक दिखाऊंगा वो अभी ईगल गैंग में हूँ मैं, और यहाँ पे अब कुछ वॉर्स मैं खेलूंगा एंड कुछ मजे करेंगे हम लोग इस क्लैन में। और देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट वॉर बीता 89-79 काफी अच्छा वॉर बीता था, बिल्कुल आराम से विन क्लिच किया हमने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, जो सबसे पहला अटैक वो है नंबर 3 के ऊपर नंबर 4 ने टाइसन। थम्स अप टू टाइसन गाइस, बहुत अच्छा कूल अटैक था। अब पहले आर्मी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं गाइस। देख सकते हैं आर्मी कॉम्पोजिशन में 7 विचेस, 1 गोलम, 6 हीलर से। तो ट्रेडिशनल जो विस्लैप होता है वैसा ये विस्लैप नहीं था। एक साइड एक कॉर्नर से आप कुछ विचेस डिप्लॉय करते हुए देखेंगे, और राइट साइड से गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय होती है 4 हीलर्स के साथ। तो अच्छा फनल क्रिएट होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को, बीच में गोलेम जा रहा है और कुछ विचेस गोलेम को टैंक करने के लिए, एंड सीसी में बोलर्स जो है वो अच्छा काम करेंगे कोर में जाकर। तो गाइस, अब किसी भी पॉइंट में आप देखेंगे कि गोलेम्स जो है वो जंप के साथ अंदर जाएगा। गोलेम्स नहीं गाइस, 1 गोलेम, सिर्फ एक ही गोलेम आपको यूज करना है। और जैसे फनल क्रिएट अच्छे से हो जाता है वैसे ही आप देख पाएंगे सीसी से बोलर्स ड्रॉप होते हुए। तो देख सकते हैं सीसी से बोलर्स ड्रॉप हो चुके हैं और काफी अच्छा मार्च कर रहे हैं बेस के कोर में। देख सकते हैं सीसी से एक लावा हाउंड निकला है, जो कि कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ना ही विचेस के लिए ना ही बोलर्स के लिए। तो देख सकते हैं अब सारे के जो फनलिंग ट्रूप है वो अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है कोर में। बोलर्स जा चुके हैं, विचेस जा चुके हैं, विजार्ड भी शायद एक बचा हुआ है। तो काफी अच्छा चल रहा है अभी तक। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में हीलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्वीन को यहाँ पे हील किए जा रहे हैं, राइट साइड में विचेस एंड बोलर्स को हील किए जा रहे हैं। तो काफी अच्छा चल रहा है ये जंप स्पेल, सेकंड जंप स्पेल गाइस बहुत अच्छा डिप्लॉय हुआ है। और सारे ट्रूप जो है अभी अच्छे प्रॉपर फनल हो चुके हैं कोर में। 1 हील ताकि जो बोलर्स हैं वो ड्राई ना हो जाएं, आराम से अच्छे हील रहें और अच्छा काम कर पाएं। अभी भी लावा हाउंड जो है वो लावा पफ नहीं हुआ है, पर 2 हमारे पास पॉइजन स्पेल है ताकि अगर लावा पफ आ जाए तो कोई दिक्कत ना दे यहाँ पर। अभी भी किसी भी पॉइंट में आप देख पाएंगे कि लावा जो है वो पफ में बदल जाएगा और उसके बाद जो है पॉइजन्स डिप्लॉय हो जाएंगे पफ के ऊपर। तो अभी देख सकते हैं गाइस इस पॉइंट में लेफ्ट साइड बहुत सारे विचेस बचे हुए हैं, बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो यहाँ पे क्लियर अप कर रहे हैं। राइट साइड में क्वीन अभी भी बची हुई है सही सलामत, और उनके ऊपर हीलर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बेस इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रश हो चुका है। बहुत अच्छा अटैक टाइसन के ऊपर, टाइसन का अटैक ऑन लारा, तो बहुत अच्छा अटैक था। अब मूव करेंगे नेक्स्ट अटैक में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट अटैक में लिए चलता हूँ। ये भी बहुत एक सिमिलर अटैक है पर इन डिफरेंट वे, आपको दिखाऊंगा अभी जैसे ही हम लोग चलेंगे। अटैक जो हुआ है वो है नंबर 5 के ऊपर, आई गेस यस नंबर 5 के ऊपर जिसने अटैक किया है वो है जीएस। थम्स अप टू जीएस, बहुत अच्छा अटैकर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, पहले आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ गाइज। 2 गोलेम्स यूज हुए हैं, 2 हीलर्स, 9 विचेस, तो थोड़ा डिफरेंट होने वाली स्ट्रेटजी। आप बेस को देख सकते हैं गाइज, बेस जो है काफी मैक्सड आउट बेस है और एंटी 3 स्टार बेस कह सकते हैं। यहाँ पे आइलैंड एक्सपोज भी है, एक एक्सपो यहाँ पर, एक एक्सपो यहाँ पर। तो ये जो बेस डिजाइन है काफी डिफिकल्ट बेस है, और हीरोज जो है वो भी मैक्स नहीं है। 21 का किंग है और 20 की आर्चर क्वीन है। देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा इस बेस के ऊपर। तो राइट साइड से 2-3 विच डिप्लॉय हुए हैं और शायद हीलर्स जाएंगे उनके ऊपर मेरे हिसाब से, और यस हीलर्स जाएंगे। और इस साइड से एक फनल क्रिएट होगा लेफ्ट साइड से, देख सकते हैं गोलेम, 2 गोलेम बेसिकली, 2 गोलेम यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। और बाकी के जो विचेस है वो यहाँ पे टैंक भी करेंगे गोलेम के लिए, जो स्केलेटन से वो टैंक करेंगे, एंड विचेस जो है वो फनल भी क्रिएट करेगी और डिस्ट्रैक्ट भी करती रहेगी। विजार्ड्स जाएंगे, 2-3 विजार्ड्स हैं यहाँ पे, और अभी भी हमारे पास सीसी के बोलर्स और हीरोज बचे हुए हैं। जंप स्पेल बाहर में यूज किया गया है ताकि वॉल ब्रेकर की कोई जरूरत ना पड़े, और जो ट्रूप्स हैं, जो बोलर्स हैं, जो गोलेम्स हैं, वो सब प्रॉपर फनल हो एक्सबो के ऊपर। देख सकते हैं काफी अच्छा अभी तक फनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, और बोलर जो है काफी अच्छा मार्च कर रहे हैं बेस के अंदर। रे स्पेल एंड सेकंड जंप स्पेल का जो यूज हुआ है वो भी काफी अच्छा यूज हुआ है, और सीसी से जब लावा हाउंड निकलता है तो और इजी हो जाता है, ताकि पॉइजन स्पेल का यूज अब अर्ली ना भी करें तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पफ्स जब निकलते हैं तब यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है अटैक। लेफ्ट साइड देख सकते हैं विचेस हैं, राइट साइड विचेस गोलम्स सॉरी बोलर्स हैं, और हीलर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और सेंटर में किंग जा चुका है। किंग की सॉरी किंग डेथ हो गया किंग का, पर फिर भी अभी भी गोलम अच्छे से यहाँ पे टैंक हो रहा है। देख सकते हैं हीलर हील कर रही है गोलम को, पर पता नहीं गोलम यहाँ पे वॉल क्यों ब्रेक कर रहा है। अच्छा, जो सेकंड जंप का जो यूज था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, इसीलिए गोलम को टैंक नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं गाइस। देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे विचेस बोलर्स, क्वीन अभी भी एबिलिटी उसकी बची हुई है, तो काफी अच्छा अभी तक चल रहा है सीन जो है। राइट साइड से यहाँ पे एक बंच ऑफ बोलर्स एंड विचेस जा चुके हैं यहाँ पर, और अटैक जो है वो काफी स्मूथ चल रहा है अभी तक। हीलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, सारे विचेस को हील करके रख रहे हैं, और जब तक हीलर्स हील करते रहेंगे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 4-5 विचेस है यहाँ पे, एक विजार्ड यहाँ पे क्लीन अप भी कर रहा है,
तो इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं गाइज क्वीन की एबिलिटी है अभी भी बची हुई हमारे पास। लेफ्ट साइड में विचेस एंड बोलर्स हैं, राइट साइड में बहुत सारे विचेस हैं, एक विजार्ड क्लीन कर रहा है राइट साइड को, तो गाइज आराम से ये बेस जो है वो 3 स्टार हो जाएगा। तो गाइज विच अटैक ऐसी स्ट्रेटजी आप यूज करें विचेस के साथ, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है विच, अभी बहुत अच्छी काम कर रही है, ओपी गाइज, ओवर पावर्ड ट्रूप अभी विच मेरे को लग रही है टाउन हॉल 9 के हिसाब से। तो ये बेस काफी मैक्स आउट बेस था, फुल्ली मैक्स आउट, काफी नहीं फुल्ली मैक्स आउट, एवरी पीस ऑफ वॉल भी मैक्स आउट था, और ये बेस जो आराम से 3 स्टार हो गया। बहुत सारे ट्रूप बचे हुए हैं, क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, पर ज्यादा कोई जरूरत पड़ेगी नहीं क्वीन की, क्योंकि ये बेस आराम से उन किसी भी वक्त क्लियर हो सकता है। तो ये तो था दूसरा अटैक। अब मैं आपको गाइस एक अटैक और दिखाऊंगा जो एनिमी की तरफ से हुआ था, वो भी विच। तो हर जगह विच चल रहे हैं अभी। चलिए लास्ट अटैक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एनिमी की तरफ से हुआ है, वो भी विच अटैक ही हुआ है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ वो वाले अटैक में जो नंबर 3 के ऊपर हुआ है। सॉरी गाइस, शायद नंबर 5 नहीं, नंबर 6 के ऊपर हुआ है। नंबर 2 ने नंबर 6 के ऊपर अटैक किया था। ये रहा बेस, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेस है। जो एनिमी था उसका 30-30 की किंग क्वीन थी, बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है अगर 30-30 किंग क्वीन होती है तो, पर फिर भी ओवरऑल अटैक बहुत अच्छा था। बेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा बेस है, फुल्ली मैक्स आउट, अब सारे वॉल पीसेस मैक्स हैं और हीरोज़ भी हैं जो वो 26 एंड 30 की है, तो बहुत अच्छा अटैक था। मैं आपको रिप्ले की तरफ दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं ये जो बेस है काफ़ी एंटी 3 स्टार बेस है, टाउन हॉल बाहर की तरफ है, तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया था एनिमी ने। फ्री गोलम्स यूज किया है उसने और कुछ विचेस, कोई स्लैप नहीं है, ये स्टोन है, तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे एक गोलम यहाँ डिप्लॉय करते हैं और 2 गोलम्स यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, और यहाँ पे सीसी जो है वो बहुत ही ल्यूरेबल था, बाहरी था, तो पॉइजन था उसके पास, पर पता नहीं यूज क्यों नहीं कर अब कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्लो हो गया, सीसी जो है वो स्लो हो चुका है, और विजार्ड्स जो है वो क्लीन कर देंगे सीसी को। क्वीन भी काफी एक्सपोज थी बाहर की तरफ, तो फिर भी अटैक जो है काफी अच्छा अटैक था। यहाँ पे बाहर टेस्ला फार्म निकला था, एक गोलम फॉलो कर रहा था टेस्ला फार्म को, पर फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा यूज़ किया उसने, गोलम्स को अच्छे से यूज़ किया, विचेस को अच्छी तरह से यूज़ किया उसने काफ़ी अच्छे से, और बोलर्स भी अच्छे कोर में गए थे, पर इनिशियली क्या हुआ, गोलम जाने से पहले बोलर्स अंदर चले गए, इसीलिए इनिशियली थोड़े बोलर्स जो है वो मर गए थे। राइट साइड बहुत सारे बंच ऑफ ट्रूप्स गाइस राइट साइड चले गए थे, विचेस अच्छे से टैंक कर रही है, स्केलेटन्स, मतलब क्या बताऊं मैं, बेस का जो ओवरऑल जो शेप है वो ऐसा शेप था ताकि जो ट्रूप्स हैं वो पर्टिकुलरली एक तरफ चले आए, फिर भी बहुत अच्छा काम किया था। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं कि राइट साइड अभी यहां पे स्क्रीन में जितने भी ट्रूप्स हैं मर जाएंगे, पर फिर भी इस साइड जितने भी ट्रूप्स हैं वो रोटेट होके ये बेस जो है वो क्लियर कर देंगे। ये एक जगह खतरनाक है क्योंकि 3-3 स्प्लैश डैमेज जो है वो एक ही जगह में, ये थोड़ा सा खतरनाक था बेस का ये जो डिज़ाइन था, पर फिर भी गाइस बहुत अच्छा अटैक मेरे हिसाब से मेरे को लगा, क्योंकि इस पॉइंट में आप देख सकते हैं, मैं पॉज करके अगर आपको दिखाऊं ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गाइस। यहाँ पे एक विच बची हुई है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, और एक गोलम यहाँ पे टैंक कर रहा है, किंग बचा हुआ, एक विजार्ड बचा हुआ है, तो इस पॉइंट में मैं सभी को लग रहा होगा कि ये बेस जो है 3 स्टार हो नहीं पाएगा, पर फिर भी गोलेम अच्छा सा टैंक करता है, क्वीन डिस्ट्रॉय कर देती है विजार्ड टावर्स को, जो 2-3 विजार्ड टावर्स बचे हुए हैं, और उसके बाद जो अटैक है काफ़ी स्मूथ हो जाता है, एकदम आराम से 3 स्टार हो जाता है। एक स्केलेटन स्पेल था जो उसने यूज़ किया यहाँ पे ताकि कुछ क्रैश जो है वो डाउन हो जाए फटाफट, पर फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा अटैक। और इस मोमेंट में जब मैं आ गया था अटैक में, तब मेरे को लग रहा था कि भाई ये 3 स्टार कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे डिफेंस बिल्डिंग बचे हुए थे, देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 विजार्ड टावर्स और बचे हुए हैं, एक आर्चर टावर बचा हुआ है, एक्सबो बचा हुआ है, कैनन्स बचे हुए हैं, पर फिर भी क्योंकि स्केलेटन्स अगर स्प्लैश डैमेज खत्म हो जाते हैं तो स्केलेटन्स जो है वो बहुत अच्छा टैंक करते हैं मेरे हिसाब से, गोलेम से भी अच्छा मेरे को लगता है कि स्केलेटन्स टैंक करते हैं। एक ही विच बची हुई थी पर फिर भी बहुत सारे स्केलेटन्स थे जो टैंक करेंगे फॉर कैनन्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी अच्छा चल रहा है, क्वीन जो लास्ट फाइनल विजार्ड टावर है उसको भी बाहर से टेक डाउन कर देगी, और जैसे लास्ट जो विजार्ड टावर टेक डाउन हो जाएगा, इतने सारे स्केलेटन्स को रोकने के लिए कैनन्स पर्याप्त नहीं है गाइस। तो देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे किंग अभी भी जिंदा है, और उसके एक विजार्ड था जो कि स्प्रिंग ट्रैप से उछल गया, पर फिर भी बहुत अच्छी चल रही है अभी भी। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं सिर्फ अभी भी जो मेन एक थ्रेड बचा था वो था एक्सबो, पर फिर भी एयर एंड ग्राउंड में था इसीलिए उसका जो रेंज है वो कम है, और इसी का फायदा हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 शॉट और, नहीं, एक वॉल ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद 2-3 शॉट्स और फाइनल जो एक्सबो है वो भी डाउन हो जाएगा, ज़्यादा शॉट लगे मेरे हिसाब से। चलिए कोई नहीं, तो गाइज ये अटैक्स मैंने आपको दिखाए, आप प्लीज़ मैं आप सभी को, जितने भी टाउन हॉल 9 के प्लेयर्स हैं, मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर ये सारे अटैक स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो वॉर में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि गाइज जो मैंने बेसेस दिखाए थे काफ़ी एंटी 3 स्टार बेसेस थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसेस थे, पर विच अटैक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है फिलहाल पर्टिकुलरली टाउन हॉल 9 के ऊपर। तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई टाउन हॉल 9 में स्ट्रगल कर रहा है, आपके क्लाइमेट्स हैं अगर टाउन हॉल 9 में स्ट्रगल कर रहे हैं तो, और गाइज मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहे एंड जय हिंद। Have you...